न कर तकदीर से सिकवा मुकद्दर आज माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। मेरे पिता मजदूर हैं, मेरी माता हाउसवाइफ है। मेंस में परसेंटाइल था 95 और एडवांस में 117। फादर मेरे फार्मर हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। मेरे पापा फार्मर हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और मेरा मेंस में 98.4 परसेंटाइल था और जेई एडवांस में मेरी 1686 रैंक है और ओबीसी 227। मेरी जेई मेंस में 72 परसेंटाइल थी। फार्मर हैं मेरे पापा और ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। जेई मेंस में 82.5 थे और एडवांस में 43 नंबर थे, कैटेगरी रैंक 630 है। ये स्टूडेंट्स हैं जो इस बार जेई एडवांस आप सबने क्लियर किया हुआ है। अब नाम बताएं सर आपका। ज्ञानेश्वर। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? बरेली। अच्छा, तो आपने यहाँ पे पढ़ाई, क्या आपके कितने मार्क्स आए, क्या परसेंटाइल आई आपका? सर परसेंटाइल 97 थी और जेई एडवांस मार्क्स 111। ओके, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, कहाँ पे आपको एडमिशन मिलने वाला है, कौन से आईटी में जाने वाले हैं? आईटी बीएचयू में सिविल शायद मिल जाए। अच्छा, और आप बताइए, नाम बताइए। नागेश कुमार नाम है और पीलीभीत से आए हैं। अच्छा, और मेंस में परसेंटाइल था 95 और एडवांस में 117। अच्छा अच्छा, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, कहाँ पे एडमिशन मिलेगा आपको? आईटी दिल्ली सीएस की सोच रहा हूँ। अच्छा, तो आप अपने फैमिली के बारे में बताइए, आपके पेरेंट्स वगैरह के बारे में बताइए। पेरेंट फादर मेरे फार्मर हैं और मम्मी हाउस वाइफ हैं। अच्छा, पापा किसान हैं और मम्मी हाउस वाइफ हैं। अच्छा, तो आपको कैसे इस एकेडमी के बारे में पता चला, कैसे आपने यहाँ इंटरेस्ट लिया? एक हमारे बड़े भाई हैं जो आईआईटी में हैं, तो उन्होंने ही इसके बारे में मुझे बताया था। अच्छा, तो वहीं से आया था। तो अब जो बच्चे अब नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करें, क्या आपका जब आप यहाँ पढ़ाई कर रहे थे तो क्या आपका टैगलाइन क्या थी, कैसे खुद को मोटिवेट रखते थे आप? बस अपने आईआईटी के सपने के लिए अपने अंदर से मोटिवेशन आता था और बढ़िया से पढ़ता था। अच्छा, तो यही कहूँगा। अच्छा अच्छा, हाँ आप बताओ, आपका क्या नाम है? आशीष सिंह। आशीष सिंह सिंह। अच्छा, तो कहाँ, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताइए, किस शहर से आप आए हैं वहाँ बताइए। मैं फतेहगढ़ से आया हूँ, मेरे पापा ऑफिस में और मेरी मम्मी हाउसवाइफ। अपने मार्क्स वगैरह बताइए। मेरे मार्क्स 45 हैं जी एडवांस में और मुझे आईटी दिल्ली में टेक्सटाइल मिल जाएगी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। अच्छा, क्या रैंक है मेरी? 2267 सर। अच्छा, तो उम्मीद है कि आप जो प्रांत चाह रहे हैं वही मिलने की उम्मीद है कि आपको लग रहा है कि नहीं, उम्मीद के अकॉर्डिंग आया रिजल्ट? नहीं, उतना तो नहीं आया, लेकिन आईआईटी मिल जाएगी, लेकिन ब्रांच मन की नहीं मिलेगी बस। अच्छा चलो, और आप बताइए, क्या नाम है? मयंक प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? डिस्ट्रिक्ट औरैया। औरैया के हैं, क्या करते हैं पेरेंट्स वगैरह? मम्मी हाउसवाइफ हैं, पापा फार्मर। तो आपका आपका मतलब आपने क्लियर एडवांस क्लियर है तो खुश रहिए, इतना परेशान क्यों है आप? फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं तो जस्ट स्माइल करो और खुशी खुशी बताओ भाई, क्या हुआ, कैसे पढ़ाई की आपने? कुछ नहीं, सर ने सर मोटिवेट करते रहे यहाँ थे, सर की मोटिवेशन से बस पढ़ते रहे बस। तो आप फैमिली के बारे में बताइए, कैसे कौन कौन है, किसी ने आपको कहा, घर के लोगों ने कहा नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें आईटी क्लियर करना है, या खुद से डिसाइड किया? नहीं, मेरे स्कूल में जहाँ से मैं पढ़ाऊँ जेएनबी मैनपुरी, वहाँ पे मेरे टीचर ने मुझे मोटिवेट किया और मेरे जो सीनियर थे उन्होंने भी मोटिवेट किया, वहाँ से मैंने सोचा कि यहाँ में यहाँ करियर अच्छा बन सकता है। क्या रैंक है आपकी? मेरी एससी कैटेगरी में रैंक 1919। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या कहाँ एडमिशन मिल जाएगा आपको? ब्रांच मेरी तो मन की मेरे मैं जैसे चाह रहा था वैसे ही नहीं है। क्या आप क्या चाहते थे? मैं कोई सिविल इंजीनियरिंग। तो आप क्या लग रहा है? सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है लेकिन आईआईटी पलक्कड़ या भिलाई वगैरह मिल रही है मुझे। लेकिन जी कहते हैं फर्स्ट ईयर में अच्छी परफॉर्मेंस रहे तो आप फाइनल में चेंज भी कर सकते हैं। हाँ मैम। तो इतना मायूस होने की क्या ज़रूरत है भाई? तो घर वाले खुश हैं, मम्मी पापा को बताया, वो लोग खुश हैं कि नहीं? हाँ खुश हैं।
तो जब आप यहाँ पढ़ते थे तो एक बहुत सारे जो स्टूडेंट अभी तैयारी करेंगे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो उनको लगता है कि जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं वो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और कुछ खास करते होंगे, पता नहीं कैसे पढ़ते होंगे, तो आप उन स्टूडेंट्स को बताइए कि क्या आपका आपको क्या लगता है सक्सेस के लिए क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट में बस खुद से मोटिवेट रहे और ज़्यादा उसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ सर हैं, सब उसे मोटिवेट सर मोटिवेट करते रहेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो सिर्फ मेहनत करना आप पर्याप्त होता है कि लेता नहीं, भाग्य भी होना चाहिए और पता नहीं उसका कैसे हो गया, मैंने भी इतनी सारी बुक्स पढ़ी थी, मैं भी 12-12 घंटे पढ़ा, मेरा नहीं हुआ। लक फैक्टर 5-10% काम करता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे बाकी सब मेहनत पर डिपेंड करता है, 90% मेहनत पर डिपेंड करता है। हाँ आप बताइए, अपना नाम बताइए, फैमिली के बारे में बताइए। मेरा नाम दर्शित है और मैं बाना का हूँ, मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। तो आप कैसे यहाँ, कितने घंटे यहाँ पढ़ाई करते थे? मतलब ज़्यादातर डेली रूटीन में तो पढ़ाई थी, सुबह से लेकर के रात को 12 बजे तक का सर ने टाइम टेबल बना रखा था बढ़िया से, तो उसी को फॉलो करते थे। आप टाइम टेबल बताओ यहाँ, पहले अपना मार्क्स और रैंक बताओ। मेरी EWS रैंक 33 आई है और मार्क्स मेरे 95 में JEE एडवांस में, और JEE मेंस में स्कोर 97.3% आए थे JEE मेंस में। तो आपको क्या लग रहा है कहाँ एडमिशन मिल पाएगा आपको, अपनी एक्सपेक्टेड ब्रांच मिलने की उम्मीद है? एक्सपेक्टेड ब्रांच तो खैर नहीं मिल पाएगी, लेकिन शायद लोअर IITs में एडमिशन मिल जाए। अच्छा तो हाँ बताइए, क्या रूटीन था सुबह से शाम तक? क्या रूटीन, सुबह उठना मतलब और 7 बजे से सेल्फ स्टडी थी और फिर 9 बजे के टाइम पे लगभग ब्रेकफास्ट मिल जाता था, फिर 10:30 से फिजिक्स वाली क्लास होती थी 2 तक, फिर उसके बाद लंच रहता था, फिर अराउंड 2:30 और 3 के अप्रॉक्सीमेट हम लोग फिर से आ जाते थे, ज्वाइन कर लेते थे, फिर शाम को एक छोटा सा ब्रेक मिलता था स्नैक्स का अराउंड 5:50 और 5 के आसपास, फिर हम लोग फिर से ज्वाइन करते थे, फिर हमारी केमिस्ट्री सर की क्लास होती थी और मंडे ट्यूसडे हमारी मैथ सर की क्लास होती थी। तो नहीं आपका रूटीन सुन के तो बच्चे घबरा जाएंगे, बड़ा टफ रूटीन था, अभी कुछ और कुछ रिलैक्सिंग नहीं था? रिलैक्सिंग हाँ बीच बीच में अपने आप दौड़ लो, मतलब थोड़ा बहुत रिलैक्सिंग था, शाम के टाइम पे आधे घंटे का रिलैक्स स्नैक्स टाइम पे मिल जाता था। नहीं जब आप पढ़ रहे थे तो पढ़ते पढ़ते थक जाते थे, दिमाग में अरे क्या होगा ऐसा ऐसी चिंता करते थे आप? हाँ चिंता तो हो जाती थी कभी कभार, तो फिर सर के पास चले जाते थे, सर मोटिवेट कर देते थे और फिर कभी कभार घर में बात कर लेते थे तो सही हो जाते थे। अच्छा जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? नेक्स्ट ईयर अभी मतलब इधर मतलब जो भी बच्चे CSR लाए मतलब तो सर के नहीं, जो JEE जो इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं देश भर में बच्चे, IIT कर क्लियर JEE क्लियर करना चाहते हैं, उनको आप क्या बताएंगे, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या, हार्डवर्क ही है, मतलब मेरे हिसाब से तो हार्डवर्क कैन बी इवन टैलेंट ऑल्सो, तो बच्चे को हार्डवर्क करना चाहिए और डे 1 से मोटिवेटेड रहे JEE एडवांस के लिए अगर टारगेट कर रहा है JEE एडवांस, और हार्डवर्क में कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अगर वो सोच रहा हो कि सामने वाला ज़्यादा टैलेंटेड है कुछ नहीं हो सकता, हार्डवर्क से सब कुछ हो जाता है। नाम क्या है आपका? अर्श वर्मा। अब बताइए आपकी रैंक कितनी है, मार्क्स कितने हैं, कहाँ से आए हैं? मैम मैं झांसी से हूँ, मेरी मेंस में 95.87% थी, उसमें रैंक थी कुछ 36,000 करके कुछ थी, JEE एडवांस में मेरे 101 नंबर हैं और ऑल इंडिया रैंक है 14,836, SC रैंक है 322। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कहाँ एडमिशन मिल पाएगा आपको? मुझे IIT रुड़की में इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी। अच्छा तो आर यू हैप्पी? हाँ बट मुझे CS चाहिए थी, लेकिन ठीक है मैं पहले साल मेहनत करके उसको अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा। अच्छा तो और क्या पेरेंट्स के बारे में बताइए अपने? मेरे फादर मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जैसे मतलब कोई जमीन वमीन दिखाना हो, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। तो किसने मोटिवेट किया कि नहीं इंजीनियर बनना है, IIT JEE क्लियर करना है? ये हमारे सीनियर थे, मतलब जो हमसे 1-2 साल आगे थे, क्योंकि उनका भी यही हुआ था, 1 साल पहले यहाँ पे सीनियर आए थे और फिर मेरे क्लासमेट भी यहाँ पे आना चाहते थे मतलब उनके साथ, तो उन्हीं लोगों ने। तो आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि सक्सेस मिलने के लिए अभी आप आर यू हैप्पी कि जो भी रैंक आपकी आई कि आपने बहुत और आगे उम्मीद की? थोड़ा और आगे आना चाहिए था। तो कहाँ कमी रहेगी? कुछ माइनस मार्किंग, कुछ टाइम मैनेजमेंट। नहीं आपने खुद को कुछ एनालाइज किया कि अगर मैं ऐसा करता तो मेरी रैंक और अच्छी आती? अगर कोई मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ध्यान ना देते, दूसरों को भी थोड़ा सा अपग्रेड करते तो शायद ज़्यादा अच्छी आती। तो जो स्टूडेंट अब JEE मेंस का एग्ज़ाम देंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए?
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मतलब साल में ऐसे भी कुछ दिन आएंगे कि आपको मतलब बहुत डिप्रेशन सा लगेगा कि नहीं मेरा नहीं हो सकता जी एडवांस में, ऐसा कुछ नहीं है। आप करते रहें, हमेशा करते रहें, बस ये मान के चलें अभी लास्ट दिन नहीं है, लास्ट दिन तक टिल एडवांस, क्योंकि वो सिर्फ 6 घंटे डिसाइड करते हैं कि आपने उन 6 घंटों में क्या किया। तो हाँ, ये आपने इम्पॉर्टेंट बात की, क्योंकि बच्चे बहुत तैयारी करते हैं लेकिन एग्ज़ाम जब आप देने गए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आप कैसे परफॉर्म करते हैं, तो वो जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का एक टेम्परामेंट होता है वो कैसा होना चाहिए? मतलब जैसे मेरे साथ था, जब मैं गया था तो मतलब फर्स्ट पेपर पे तो बहुत अंदर से घबराया हुआ था कैसा पेपर आया, क्योंकि 2019 का पेपर थोड़ा टफ था एज़ कम्पेयर टू 2018, तो ऐसा सोचा था कि 2020 का और ज़्यादा टफ होगा, था भी मतलब और नहीं भी था कह सकते हैं। तो पहला पेपर थोड़ा घबराहट में गया, लेकिन पहले पेपर के उस पर पता चल गया कि हाँ तीनों सब्जेक्ट अच्छा गया, तो उसके हिसाब से फिर सेकंड पेपर में मतलब बिल्कुल घबराहट नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दिया। तो यही कहना चाहूँगा कि पेपर हमेशा रिलैक्स मोड में देना चाहिए, मतलब कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत के पता लगा 10 सवाल नहीं आते तो बच्चे सोचते अब तो गया काम से, अब तो हो नहीं सकता कुछ। ऐसा आपको भी फील हुआ था? हाँ, सेकेंड पेपर फिजिक्स। तो एग्जामिनेशन हॉल में कूल रहना है, परेशान नहीं होना है। हाँ, आप क्या नाम है आपका? सौरभ झा, मैं झांसी से हूँ। मेरे पापा फार्मर हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, और मेरा मेंस में 98.4% था, और जेई एडवांस में मेरी 1686 रैंक है, और ओबीसी 227। ओके, तो कहाँ एडमिशन मिल पाएगा आपको, क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? मैं IIT दिल्ली में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो आप बताइए, आपने यहाँ मैं देख रही थी लोगों ने अपने हॉस्टल के बाहर IIT दिल्ली, IIT मुंबई, तो आपने क्या लगाया हुआ था, किस रूम में, रूम के बाहर क्या था और कहाँ वाकई उम्मीद के अकॉर्डिंग है? यस, मेरा IIT दिल्ली रूम था, उसी में मैं चाहता हूँ कि उसी में एडमिशन हो जाए, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच। तो आप जब यहाँ पढ़ रहे थे तो आपको क्या मतलब आपका क्या रूटीन रहता था? जैसे बहुत एक बहुत बड़ी जो पेरेंट्स जब परेशान होते हैं कि बच्चे सोशल मीडिया पे या टीवी पे टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या एक सक्सेस टैगलाइन क्या थी आपकी कि मुझे ये करना है ये नहीं करना है? मेरा जो सर का टाइम टेबल रहता था यहीं का, तो वही हम लोग फॉलो करते थे सुबह से, और मोबाइल वोबाइल रखना तो यहाँ वैसे अलाउ नहीं है, सर लोग बात करवा देते थे जब करनी होती थी। और सुबह हम लोग 6 बजे करीब जगते थे और 7-8 बजे तक फ्रेश व्रेश होकर फिर सेल्फ स्टडी करते थे, फिर ब्रेकफास्ट करते थे 9 से, उसके बाद फिर आधा घंटे का ब्रेकफास्ट होता था, उसके बाद फिर क्लास होती थी फिजिक्स सर की, उसके बाद लंच और फिर सेल्फ स्टडी करते थे, फिर शाम को फिर स्नैक्स के लिए मतलब ब्रेकर का मिलता था, उसके बाद केमिस्ट्री सर की क्लास होती थी, उसके बाद फिर खाना, फिर सेल्फ स्टडी करते। तो आप ही बताइए, जो बच्चे अब अपीयर होंगे आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही देना चाहते कि हार्ड वर्क करते रहें और मतलब मोटिवेटेड रहें, मतलब डिप्रेशन में ना जाएं और अच्छे से रिलैक्स होकर पेपर दें अच्छे से। मेरा नाम सुमित कुमार है, मेरे पिताजी यहाँ प्राइवेट नौकरी करते हैं, मम्मी वो हाउस वाइफ हैं। तो अपना रैंक और मार्क्स बताइए। मेरे जेई मेंस में 82.5 थे और एडवांस में 43 नंबर थे, कैटेगरी रैंक 630 है, और IIT BHU में केमिकल चाहते हैं। तो ये आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग है कि? यस मैम। ये आपने टारगेट रखा था? यस मैम। अच्छा, तो आपने ही बताया, आपका क्या मतलब आपको क्या लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए स्टूडेंट्स में? हार्ड वर्किंग करते रहें और ख़ुद को मोटिवेट करते रहें और ऐसी चीज़ें देखें जिससे मोटिवेशन आए अंदर। अच्छा, आपको आपने कुछ अपनी कमी भी एनालाइज़ की होगी कि अगर मैं ऐसे करता तो ऐसा कर ना करता तो मेरे और मार्क्स आते? हाँ, किसी मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मतलब ज़्यादा ध्यान ना दें, मतलब तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम। तो आपने किस पे ज़्यादा ध्यान दे दिया? मैथ पे ज़्यादा दिया था। अच्छा, तो आपकी आपके जो मैथ में ज़्यादा अच्छा किया, फिजिक्स में टाइम उसको ज़्यादा दे देते हैं। अच्छा, और नंबर उतने नहीं आते हैं मैथ में लेकिन टाइम उसको ज़्यादा देना पड़ता है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इक्वल देना चाहिए, आपने किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया मैथ, और सब पे अगर ध्यान देते तो और आपकी रैंक और बेटर हो जाती। यस मैम। तो जब यहाँ पे आप पढ़ रहे थे तो कोई ऐसी भी चीज़ थी कि ये काम मुझे नहीं करना है, खुद को डिस्ट्रैक्शंस के बस से बचाने के लिए कि मेरा ध्यान नहीं वो होना चाहिए, ऐसा कुछ आपने बना रखा था कि ये काम मुझे नहीं करना है? यस मैम, सोने होने के लिए सब सही रहता है, नींद ज़्यादा आती है, तो सर ने ऐसा टाइम टेबल बनाया था कि सबको देख के अपने आप मोटिवेट होते हैं कि बच्चे और सब पढ़ रहे हैं, तो उनको देख के अपने आप मोटिवेट होते थे। तो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे? जिन स्टूडेंट का इस साल नहीं हो पाया एडवांस में, वो बड़े परेशान हैं, डिप्रेशन है, बहुत चिंता है, या पेरेंट्स भी उनको डांट रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे?
उन्हें घबराना नहीं चाहिए, उन्होंने मेहनत की है तो किसी अगर थोड़े नीचे कॉलेज में भी जाएंगे तो वहाँ अच्छा वो परफॉर्मेंस करेंगे, अगर वो आईआईटी नहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे उनके अंदर काबिलियत है, वो आगे अच्छा कर सकते हैं। मेरा नाम विनय प्रताप है, मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन का रहने वाला हूँ। मेरे पिता मजदूर हैं, मेरी माता हाउसवाइफ हैं। अच्छा, और मैं तो पापा आपके लेबर हैं, तो कैसे ये इंजीनियर बनने का सपना किसने दिया आपको? मैं बचपन से इंजीनियर बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन घर वाले वो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब मेरा यहाँ सुपर 100 में सिलेक्शन हो गया तो एक उम्मीद जगी कि मैं आईआईटी कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का सबसे वीक स्टूडेंट था। वीक स्टूडेंट थे आप? अच्छा। और डिमोटिवेटेड रहता था, इसलिए पढ़ाई पर कम और टेंशन में ज़्यादा रहता था। क्यों वीक, मतलब वीक पढ़ाई में वीक थे, या मैथ फिजिक्स समझ में नहीं आती थी? वो समझने मतलब स्टार्टिंग में आया था पहले से मैं, मतलब आपको लगता था बाकी बच्चे बहुत होशियार हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ऐसा लगता था? हाँ, बहुत। तो फिर कैसे आपने अपनी उस साइकोलॉजी से कैसे आप बाहर आए? सर ने काफ़ी मोटिवेट किया तो मुझे जगह, सर ने कहा मतलब वो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यदि नहीं भी आईआईटी हुआ तो कहीं और बी टेक कर लोगे? हाँ, नॉलेज मतलब नॉलेज रहेगा तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो जब अभी आपका रिजल्ट आया तो आपके मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? हाँ, तो वो बहुत खुश थे और मेरी एससी रैंक 2856 है। अच्छा, तो जब आपके पापा इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हाँ आपका आईआईटी, आपका जेई, आपने जेई एडवांस क्लियर किया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये नेशनल लेवल का कंपटीशन आपने क्लियर किया, वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं जी, क्या रिएक्शन था उनका? वो हैप्पी थे, लेकिन वो आईआईटी वाले ज़्यादा जानते नहीं। हाँ भाई, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। लेकिन वो काफ़ी खुश हैं। जब आपने उनको बताया कि आईआईटी क्या है? हाँ, मैंने बताया, मतलब उनको तब भी ज़्यादा समझ में नहीं आता। अच्छा, तो घर में और कौन कौन है? एक भाई है, बहन है। अच्छा, तो आप अभी आपके पेरेंट्स यहाँ आए हैं क्या, आप अकेले यहाँ आए अभी आज? हाँ, मैं अकेला आया हूँ। अच्छा जी, और फिर आपने भाई बहनों को भी आप मोटिवेट कर रहे होंगे? हाँ, भाई बहन दोनों को मोटिवेट कर। तो आप ही बताइए, ये जो आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ये हमारे देश में मैक्सिमम मतलब एक भारी संख्या ऐसी आबादी है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मन में एक सपना सबके घरों में होता है, बच्चों के मन में होता है, आप ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देंगे? अगर कोई बच्चा मेहनत करता है उसे लाइफ में अवश्य एक अच्छा प्लेसमेंट वो स्थान मिलता है जहाँ से वो अपने फैमिली का नाम रोशन कर सकता है। अगर मेहनत करता रहता है तो उसे अवश्य उन्नति मिलेगी। तो आपको लगता है कि जो फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंट्स का पढ़ा लिखा ना होना, घर में आर्थिक स्थिति अच्छे ना होना, पैसे ना होना, फीस के पैसे ना होना, ये किसी की कामयाबी में बाधा बनता है? जी हाँ, बहुत बनता है। लेकिन आपके तो नहीं बना? हाँ, लेकिन मेरे मामा मुझे मोटिवेट करते रहते थे और इस उन्हीं के मोटिवेशन से मैं तो पढ़ता रहा और मेरा JNVM सिलेक्शन हो गया था। वहाँ से मैंने इस गिल का परीक्षा दी और उसमें हो गया और अब मैं आज JEE एडवांस क्वालिफाई हूँ। अब देखते हैं कोई वो काउंसलिंग के बाद कोई IIT मिलेगी। मेरा नाम निसरत अली है, मैं जिला बरेली से हूँ। मेरी JEE मेंस में 72% थी। मैं ये बताना चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा जीनियस तो नहीं था, लेकिन एडवांस के समय मुझे सर की एक बात याद आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक भी नहीं था कि मुझे लगता था कि शायद मेरा नहीं होगा, लेकिन सर की ये बात मुझे याद आ रही थी, तुम्हें ये नहीं दिखाना है कि तुम फिजिक्स में अच्छा कर सकते हो, मैथ में अच्छा कर सकते हो, केमिस्ट्री में अच्छा कर सकते हो, तुम्हें बस अपने आप को क्वालिफाई कराना है उसमें किसी भी तरह से। तो मैंने हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान से दिया और मैं हर सब्जेक्ट में इतना कर पाया कि मैं अच्छे से वहाँ पर क्वालिफाई हो गया एडवांस में और मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज रुड़की, IIT रुड़की विद मैकेनिकल ब्रांच मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। वाह, तो आपके कितने मार्क्स और कितनी रैंक है? मैम, मेरे मार्क्स तो खास ज़्यादा नहीं है, 41 है, लेकिन मेरी कैटेगरी रैंक PWD 42 है, इससे मुझे अच्छी खासी ब्रांच और विद कॉलेज मिल रहा है। अपनी फैमिली के बारे में बताइए। फॉर्मर हैं मेरे पापा और ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, बस जानते हैं थोड़ा बहुत। किसान के बेटे हैं आप? यस मैम। तो आप ही बताओ, तो किस कहाँ से आप आए?
बरेली। बरेली से आए, तो आप ये बताओ, आपको बहुत सारे, आप किसान के बेटे हैं, और आप बताइए, जो बहुत सारे स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि हमारे घर में पैसा भी कम है, माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, ये आपके लिए कभी हर्डल बनी है, या आपको लगा कि नहीं है मुझे करना है तो मैं कर सकता हूँ? मैम अभी तक तो नहीं, क्योंकि मेरा छठे में JNB में सिलेक्शन हो गया था, वहाँ पर फ्री एजुकेशन मिलती रही, और उसके बाद वहाँ से यहाँ पर हो गया सुपर हंड्रेड में, यहाँ IIT की कोचिंग फ्री मिली, फिर इसके बाद IIT तो मिली जाएगी इंशाल्लाह, तो अभी तक तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ी फिलहाल। तो घर वालों का क्या, पापा आपके किसान हैं, समझ रहे हैं आपका IIT में होने जा रहा है, उसकी बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं। तो आप इंजीनियर बन के क्या, आपको लगता है कि घर में परिवार में कुछ क्या बदलना चाहते हैं आप? मैं अब जो आगे से आने वाली जनरेशन है, मैं वो उसका रुख बदलना चाहता हूँ। अब तक जो जनरेशन रही मेरे पीछे वो कुछ और थी, और जो अब आगे आएगी वो कुछ और होगी। तो क्या बदलना चाहते हैं, सबको इंजीनियर बनाना चाहते हैं घर में? वो मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ कि वो क्या बनना चाहे, मैं उन पर थोपना नहीं चाहता कुछ। अच्छा, इस साल जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और नेचुरली बड़ी बड़ी कोचिंग उन्होंने अटेंड की, बड़े शहरों में गए, कोटा चले गए, दिल्ली चले गए, और लाखों रुपए कोचिंग में भी उन्होंने खर्च किए, अब उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, और उनको कैसे मोटिवेट करेंगे? उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, न कर तकदीर से सिकवा मुकद्दर आज माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा।